शीतल नगरी में आप सभी के बीच एक बार फिर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। पहले 2014 में और फिर 2017 में आपने इस चौकीदार का भरपूर समर्थन और सहयोग किया। इसी प्यार और सहयोग का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र भी भारत का सम्मान कर रहा है, रशिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, साउथ कोरिया भी भारत का सम्मान कर रहा है, सऊदी अरब भी भारत का सम्मान कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात ये भी भारत का सम्मान कर रहा है, फिलिस्तीन भी भारत का सम्मान कर रहा है और अफगानिस्तान भी भारत का सम्मान कर रहा है। दुनिया के अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है। मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। नए भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था, पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है। अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
भाइयों बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है, रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। जरा मेरे साथियों बताओ, आप बताएंगे, मैं सवाल पूछूं बताओगे, जवाब दोगे, क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भारत की ताकत दिख रही कि नहीं दिख रही है? आप बताइए, आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान चाहिए? बहनों और भाइयों, भारत के पास दशक भर से सैटेलाइट को मारने वाली तकनीक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जब वैज्ञानिकों ने इजाजत मांगी, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार लेके बैठे थे, वो सरकार कांप रही थी। साथियों, जब इस चौकीदार की सरकार से वैज्ञानिकों ने पूछा, तो मैंने कहा, भाई अरे कल करे सो आज कर, और हमने सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल की परीक्षण को तुरंत हरी झंडी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत ने अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी और अंतरिक्ष में भारत का शानदार प्रदर्शन आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जल थल अरे नाभ, उससे भी आगे अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला से पहले कोई 100 बार सोचेगा। भाइयों बहनों, दुनिया में जब भारत की ताकत बढ़ेगी, तब हमारा व्यापार कारोबार भी तो बढ़ेगा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग, रामपुर का जरी उद्योग, संभल के हस्तशिल्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हिंदुस्तान में ताकत होगी तब बढ़ने वाला है। भारत की छवि एक मजबूत देश की होगी तो दुनिया हमसे व्यापार भी करेगी, दोस्ती भी रखेगी। जब दम होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे हक में लोग फैसले लेने के तैयार होंगे। साथियों, आप बताइए, क्या देश को ताकतवर बनाने की सोच सपा बसपा ने कभी भी आपके सामने रखी है क्या? सपा बसपा ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द बोला है क्या? भारत को कहां ले जाना है वो बोला है क्या? क्या सपा बसपा ने देश को दमदार बनाने की कोई फॉर्मूला आपके सामने रखी है क्या? रखी है क्या? जिनको इसकी समझ ही नहीं है वो देश को दमदार बना सकते हैं क्या? जिनके एजेंडा में नहीं है वे कभी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस और उसके दूसरे महामिलावटी साथियों ने कभी भी ऐसी सोच रखी है?
भाइयों और बहनों, इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो मां भारती का सम्मान क्या करेगा। इनकी सोच सिर्फ एक ही है, एक ही कार्यक्रम, वन पॉइंट एजेंडा, सुबह शाम दोपहर रात को यहां जाओ वहां जाओ जहां जाओ मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। जैसे कांग्रेस वाले मुझे कहते हैं ये मोदी तो शौचालय का सौदागर है, ये मोदी तो शौचालय का चौकीदार है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय खत्म होती है। अरे बबुआ, शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों, विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है, लेकिन उन करोड़ों बहन बेटियों से पूछो जिनको आपने अंधेरे का इंतजार करने के लिए मजबूर करके रखा था। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल के बाद मेरे देश की माताएं, मेरे देश की बेटियां अगर शौच जाना है तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाती थी या तो रात को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जरा ये पीड़ा क्या होती है ये विदेशी टोटियों वालों को पता नहीं चलता है। ये चौकीदार करोड़ों बहनों की गरिमा का चौकीदार बन पाया तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, आपके लिए शर्म की बात हो सकती है, चौकीदार के लिए सम्मान की बात है। हां, मुझे दुख इस बात का है जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान कर रही है उसे लेकर भी बहन जी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गोलियां गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। साथियों, सपा बसपा कांग्रेस की महामिलावट की यही मानसिकता है कि यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर था, पश्चिमी यूपी में गुंडों ने बेटियों का जीना मुश्किल कर रखा था, योगी जी की सरकार ने इस गुंडागर्दी पर करारी चोट की। साथियों, इन लोगों की इसी मानसिकता की वजह से कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक जैसे अत्याचार को
सहने के लिए मजबूर है और मैं ऐसी पीड़ित बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद ये 3 तलाक पर बना कठोर कानून फिर से संसद में लाया जाएगा। भाई और बहनों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं उनको गठबंधन के बजाय महामिलावट क्यों कहता हूं। बताइए, महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं कि इन्हें महामिलावट क्यों न कहूं। अब देखिए, ये कैसे कैसे लोग साथ आए हैं। ये किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए। ये किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है, इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पर्स टटोले गए तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। ये इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का विशाल हृदय देखिए, वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब आम्बेडकर को भूमाफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाता है। बहन जी, उन उजड़ी दलित बस्तियों में दलितों की ही जमीन जिसने कब्जा किया है, उनके लिए आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? और ये भी मत भूलिए, ये वही साहब है जो 1.5 दशक तक बहन जी को सद्दाम हुसैन जैसा हश्र करने की धमकी दे रहे हैं। साथियों, महामिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाना भी मंजूर नहीं है। लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है। वहीं हमारे बबुआ वो दिन भी भूल गए जब बहन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करती थी। साथियों, राजनीति क्या क्या न कराए, आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। साथियों, असल में संकट अस्तित्व का था, इसलिए पहले की सारी गालियां
पीछे छूट गई और नारा बन गया, मेरा भी माफ तुम्हारा भी माफ, वरना हो जाएंगे दोनों साथ। लेकिन भाइयों बहनों, क्या जनता इनको माफ करेगी? क्या इनकी झूठी बातों को स्वीकार करेगी? क्या भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया है? हाफ हाफ किया, हाफ हाफ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ऐसा किया है ना। ये हाफ हाफ वालों को उत्तर प्रदेश पूरा साफ कर देगा। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें देगा, ये मैं बिल्कुल धरती की हवा देख रहा हूं। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाके आया, ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है, इनका बचना मुश्किल है। अब मुझे बताइए, अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो 272 सीट चाहिए। कितनी कितनी चाहिए? जो 40 सीट लड़ रहे हैं, क्या वो 272 लाएंगे क्या? ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं, नहीं झोंक रहे हैं? भाइयों और बहनों, ये सत्ता के लिए अपनी वोट बैंक को, निश्चित समुदाय को उसके ठेकेदार बनके आज एक दूसरे को बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। वहीं आपका एक चौकीदार किसानों के खाते में, 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। उनको वोट ट्रांसफर करवाना है, मुझे किसान के घर में रुपया ट्रांसफर करवाना है। मुरादाबाद, संभल और रामपुर के लाखों किसान परिवारों के खाते में पहली किस्त भी पहुंच चुकी है। जिनको नहीं मिली उनको भी जल्द ही मिल जाएगी। और एक और बात बताऊं, अभी जो नियम है वो नियम है 5 एकड़ और 5 एकड़ से कम भूमि वाले लोगों को पैसे देते हैं, लेकिन 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा, फिर एक बार जब 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो हम ये जो 5 एकड़ वाला नियम है उसको खत्म कर देंगे और ये मदद सभी किसानों को देने का निर्णय करेंगे। इतना ही नहीं मेरे किसान भाइयों बहनों, हमने आपके लिए, खेत मजदूरों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है। 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद हमारे किसानों को, छोटे किसानों को और हमारे खेत मजदूरों को 60 साल के बाद हर महीने उनको नियमित पेंशन मिलेगा। ये कभी ये सोच सकते हैं क्या? न बुआ सोच सकती है, न बबुआ सोच सकता है। कहीं लघु उद्योगों से जुड़े, कहीं घरों में काम करने वाले, कोई रेड़ी चलाता है, कोई नाई की दुकान लेके बैठा है, कोई टैक्सी का ड्राइवर है,
कोई आपके घर में बर्तन साफ करता है, कोई आपके यहां खाना पकाता है, कोई भी जो छोटे छोटे हमारे कामगार है, घरों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उसी प्रकार से जो हमारे छोटे दुकानदार है, कहीं पान का गल्ला लेकर के बैठे हैं, कहीं ठेका लेकर के बैठे हैं, कहीं सब्जी का ठेका लेके बैठे हैं, इन सबको भी हमारी सरकार पेंशन देने का निर्णय के लिए आया है। आप कल्पना कर सकते हैं 60 साल के बाद ये सम्मान से जीवन जी सकेंगे कि नहीं जी सकेंगे, किसी का मोहताज रहना पड़ेगा क्या? और इसकी एक कड़ी के तौर पर हमने पीएम श्रम योगी मानधन योजना उसको तो शुरू भी कर दिया है। 23 मई को सरकार बनने के बाद योजनाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, मुझे एहसास है कि यहां की चीनी मिले बकाया चुकाने को लेकर भी कुछ न कुछ परेशानियां पैदा कर रही है, वे भी कान खोल करके सुन ले। चुनाव खत्म होने के बाद आपकी बारी आएगी और मैं आपको भी भरोसा देता हूं कि योगी जी की सरकार आपका एक एक रुपया जल्द से जल्द दिलवा करके रहेगी। और मैं भी यूपी का एमपी हूं, मैं भी इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। भाई और बहनों, यहां का जो पीतल उद्योग है उसके विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। योगी जी की सरकार पहले ही एक जनपद एक उत्पाद योजना चला रही है। इसके तहत कच्चे माल, डिजाइन, परीक्षण, प्रदर्शन और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं दे रही है। छोटे उद्योगों को GEM जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके साथ जोड़ रहा है, ताकि सरकारी कंपनियों को सामान बेचने में आपको कोई असुविधा न हो, किसी बिचौलिए की जरूरत न पड़े। पिछले वर्ष ऐसे अनेक निर्णय सरकार ले चुकी है। साथियों, अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि फिर एक बार सरकार बनने पर पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाया जाएगा, ताकि आपकी हर समस्या का समय पर समाधान हो सके। इसके अलावा छोटे उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक बिना गारंटी ऋण देने का संकल्प भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सबका साथ सबका विकास ये हमारा मंत्र है, और सबको सुरक्षा सबको सम्मान ये हमारा संकल्प है। इसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमें एकजुट होकर चलना है। याद रखिए, इस 23 अप्रैल को आपका एक एक वोट हमारे देश को मजबूत बनाएगा। अब आप एक संकल्प लीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जब 23 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा।
भाइयों बहनों, मैं एक संकल्प दोहराता हूं, आप करेंगे मेरे साथ संकल्प करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे, मुट्ठी बंद करके करेंगे, सबके सब करेंगे, पीछे वाले भी करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। देखिए, मैं नारा बुलवाऊंगा, आपको बोलना है घर घर में है चौकीदार। क्या बोलना है आपको, क्या बोलना है? तो मैं नारा बुलवाऊं, आप पूरी ताकत से बोलोगे, भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर हो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी नामदार। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार, पूरा हिंदुस्तान। आप गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, सुबह निकल करके तुरंत वोट डालिए, करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता।